वेलकम टू एंटरटेनमेंट फॉर यू। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बॉलीवुड फिल्म दृश्यम 2 और भेड़िया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं भेड़िया के 7 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और दृश्यम 2 के 14 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं दृश्यम 2 के बारे में और उसके बाद बात करेंगे भेड़िया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दृश्यम 2 में लीड रोल में है अजय देवगन, तबू और श्रिया सरन, अक्षय खन्ना जैसे बेहतरीन कलाकार। फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक पाठक ने और वहीं फिल्म को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज भूषण कुमार ने। फिल्म काफी अच्छी है। फिल्म को IMDb पे 8.2 की रेटिंग आउट ऑफ 10 और वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया पे इसकी 3.5 की रेटिंग है आउट ऑफ 5। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखें क्योंकि ये फिल्म आपको एंजॉय करेगी और फुल टू एंटरटेन करेगी एंड तक। फिल्म काफ़ी अच्छी है। फिल्म को रिलीज किया गया था बॉक्स ऑफिस पे 18 नवंबर 2022 को इंडिया में तकरीबन 3300 स्क्रीन पे और फिल्म का 14 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इंडिया में नेट 163 करोड़ रुपए और फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 196 करोड़ रुपए। दोस्तों ये फिल्म का बजट है 90 करोड़ रुपए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हो चुकी है। फिल्म और तीसरे हफ्ते में दृश्यम 2 को 2000 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। यानी इस फिल्म के स्क्रीन कम नहीं किए गए। अब बात करते हैं भेड़िया के 7 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो भेड़िया में लीड रोल में है वरुण धवन, कीर्ति सेन और बहुत सारे बेहतरीन कलाकार जैसे कि को स्टार है अभिषेक बनर्जी। और आखिरी सीन यानी पोस्ट क्रेडिट सीन में दो लोगों की एंट्री होती है, अपार शक्ति खुराना और हमारे प्यारे राजकुमार राव। फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन ने और वहीं फिल्म को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने। अमर कौशिक इससे पहले ड्रीम गर्ल डायरेक्ट कर चुके थे। अमर कौशिक की फिल्म इससे पहले थी ड्रीम गर्ल जो काफ़ी बड़ी हिट थी और ये फिल्म भी हिट हो सकती थी अगर फिल्म पे काफ़ी अच्छा काम किया जाता। तो फिल्म की स्टोरी काफ़ी बोरिंग थी, आपको ये फिल्म एंगेज बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में विलन ही नहीं है। फिल्म को IMDb पे 7.6 की रेटिंग है आउट ऑफ 10, वहीं 2.5 की रेटिंग है आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया पे। आइए बात करते हैं फिल्म ने 7 दिनों में कितनी कमाई की है बॉक्स ऑफिस पे। तो फिल्म ने 7 दिन में कमाई की है इंडियन बॉक्स ऑफिस में नेट 42 करोड़ रुपए। फिल्म का बजट है 60 करोड़ रुपए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो सकती है और हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है क्योंकि फिल्म ने एक हफ्ते में सिर्फ 42 करोड़ का आंकड़ा पार किया है और ये हफ्ता यानी आज से जो हफ्ता चालू हुआ है इसमें बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली है और हो सकती है और हो ही रही हैं। तो भेड़िया को काफ़ी अच्छा टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा बाकी के फिल्मों से। आपने कौन सी फिल्म देखी है दोनों में से, दृश्यम 2 या फिर भेड़िया, कमेंट करके जरूर बताएं। और कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है वो भी कमेंट करें और अपनी डिमांड भी कमेंट कि आपको किस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना है। मिलते हैं किसी और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर किसी रिलेटेड जानकारी से। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।